अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब आज। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और अब यहाँ सुबह के 10 o'clock हो रहे हैं और जो है मैं नाश्ता कर रही हूँ और ये मेरा रोज़ का नाश्ता है और मैं साल भर यही खाती हूँ और ज़रा भी बोर नहीं होती। और यहाँ जो है लंच के लिए मैंने श्रिम्प्स बनाई हूँ और दूसरी तरफ गैस पे मैंने जो है बच्चों के टिफ़िन में देने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये चिकन है, स्टर फ्राइड चिकन विथ वेजिटेबल्स। और इसके बाद जो है मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी जो है मेरे घर में घर ही की रोटी बनती है, बाहर से रोटी नहीं आती। बस दावत वगैरह होती है तो ही बाहर से रोटी आती है, अदरवाइज़ मैं घर में ही रोटी बनाती हूँ। मेरे बच्चे बाहर की रोटी बिल्कुल खाना नहीं पसंद करते, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को भी घर की ही रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। और जाहिर सी बात है वो हेल्दी भी होती है, बाहर की रोटी तो बहुत नुकसान करती है। तो जो है बस अब रोटी बन रही है और रोटी बनने के बाद हम लोग जो है लंच करेंगे और लंच के बाद हम लोग का क्या प्लान है ये मैं आपको बताती हूँ। फ़िलहाल देखते हैं हम लोग आरिस क्या कर रहा है। तो आरिस जो है यहाँ पे अपनी वो चला रहा है, कार चला रहा है। नाश्ता वाश्ता आरिस का सब हो गया है, बस अभी जो है हम लोग निकलने वाले हैं प्लांट्स लेने के लिए। मेरे हस्बैंड को प्लांटिंग का, गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और ये शौक़ उनको अपने मेरे ससुर जी से मिला है। वो भी बहुत ज़बरदस्त गार्डनिंग करते हैं। तो मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो फाइनली हम लोग जो है पहुँच गए हैं और बस मैं और मेरे हस्बैंड और आरिस हम तीन ही आए हैं और बाकी तीन बच्चे घर पे हैं। तो ये वरसान में हम लोग आए हैं, गवर्नमेंट की नर्सरी है ये। और सबसे सस्ता अगर आपको प्लांट्स ढूंढ रहे हैं आप तो बजट में, तो फिर वो आपको यहीं मिलेगा वरसान में। और इसके अलावा प्राइवेट नर्सरीज जो हैं वो थोड़ी सी आपको महंगी पड़ेंगी। ये जो टोमेटो का प्लांट है ये 1 dirham का है, ईच प्लांट 1 dirham, और बहुत अच्छा होता है क्वालिटी में भी। और हम लोग ने मतलब काफ़ी प्लांट्स हम लोग ने यहाँ से लेके गए हैं हर साल। तो और ये एक प्लांट है ये भी 1 dirham का है, बैगन भी 1 dirham का है हर प्लांट। और जो है बैगन तो हम लोग का पिछले साल इतना हुआ था कि हम लोग को बांटने की नौबत आ गई थी। और ये पापाया है यहाँ पे, इतने अच्छे खासे, यहाँ साइजेस पे डिपेंड करता है। तो ये इतना बड़ा प्लांट जो है ये 8 dirhams का है। आरिस को जो है एकदम मक्खियों ने परेशान कर रखा है और उसको ज़बरदस्त गर्मी हो रही है। आरिस कौन सा प्लांट है ये? एग प्लांट। तुमको कौन सा चाहिए? यहाँ आरिस की कोई मतलब की चीज़ नहीं है तो आरिस बोर हो रहा था। अच्छा हुआ उसको एक ट्रॉली दिख गई है, अच्छा टाइम पास हो जाएगा उसका, लेके भाग रहा है यहाँ से वहाँ। तो बस प्लांट सिलेक्शन हो गया है, जितना लेना था हम लोग ने ले लिया है। यहाँ पे ज़्यादा कोई चॉइस मिली नहीं हम लोग को, कलेक्शन नहीं मिला, तो बस यही प्लांट्स हम लोग लिए हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्राइवेट वाले में भी जाएंगे क्योंकि वहाँ पे जो है कलेक्शन ज़्यादा रहेगा। हाँ थोड़ा सा महंगा पड़ता है वो, लेकिन जो है अच्छे खासा आपका पसंद की चीज़ मिल जाती है। आइए मैं आपको यहाँ छोटा सा जो है इंडोर प्लांट्स का भी एक टूर दे देती हूँ। और ये मतलब मेरे हस्बैंड को ना पसंद नहीं है इंडोर प्लांट्स, घर में अंदर उनको बिल्कुल प्लांट्स पसंद नहीं है। जितनी करनी है प्लांटिंग सब बाहर ही करते हैं। तो ये इसमें से जो है एक भी हम लोग ने नहीं लिया है। तो ये हम लोग आ गए हैं, ये जो गवर्नमेंट नर्सरी उसके सामने ही बिल्कुल जो है ये प्राइवेट नर्सरी है। और यहाँ का कलेक्शन आप देखिए, हर तरह का प्लांट्स आपको मिल जाएगा, चाहे वो फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल्स, और चाहे शो के लिए लगाना हो फूल वूल वाले, वो सब भी आपको हर क्वालिटी के प्लांट्स मिल जाएंगे। लेकिन इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ये आरिस कहीं कोको बोल रही है, इधर आओ देखें सामने। हाँ कोको, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कोको कैसे बोलती है? कोको ऐसे बोलती है, ऐसे बोलती है। उसके पास जाओगे? जाओ
यहाँ पे आप देखिएगा आरिस जैसे ही गया वहाँ पे तो वो कोको जो है हेन वो भी एकदम स्टैचू हो गई थी और आरिस भी एकदम स्टैचू हो गया था। जैसे आरिस पलट के आने लगा आप लोग गौर करिए, वो हेन ने उसको दौड़ा लिया था एकदम। क्या कर रही है? मेरी तो चीखें ही निकल गई। क्या कर रही है? कैसे ऐसे कर रही है? लास्ट टाइम दो लेके गए थे लेकिन लगा नहीं। लास्ट टाइम पिंक लिए थे ना और वाइट लिए थे, मगर ये तो बड़ा बड़ा लग रहा है प्लांट जो है इसका बड़ा। ये कितने का है? 50। ये वाला ऑलिव का है ना? हाँ, ये ऑलिव। हाँ, लेट्स गो। वहाँ पे गर्मी नहीं है, यहाँ पे बहुत गर्मी है। ये सब मिर्ची का, अरे देखो मिर्ची का पेड़। तुमको चाहिए चिल्ली? चाहिए चिल्ली? चाहिए? अच्छा आओ आओ, दूसरी जगह भी देखें। इसमें एक खिली भी है मिर्ची। ये जो मिर्ची होती है ना, ये मोटी वाली, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। जो इंडियन चिल्ली हम लोग लेते हैं ना, वो ज़बरदस्त रहती है, एकदम तीखी। इसको तो बस डालते जाओ डालते जाओ, तीखा होता ही नहीं है। ये फ्लावर्स जो हैं, इसका रेट वो आदमी कम करके नहीं दे रहा है, भाई साहब जो है मान ही नहीं रहे हैं। अभी जो है मैं 10 दुकान और घूमूंगी, उसके बाद जो है देखूंगी कहाँ जो सस्ता देगा वही लूंगी। यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल पॉट्स और ये सब भी मिलते हैं। खुशबू तो अच्छी है। ये वाइट फ्लावर्स हैं और ये कैसे हैं? एक दूसरा फूल है, ये वाला है 10 रुपए में देगा। दूसरा वाला ये डबल डबल फूल आता है, डबल फूल वाला मालूम है उधर है। डबल फूल मतलब दो कलर? तो ये वाला क्या, ये पाकिस्तान का है? ओके, और ये कैसे में? ये आपके लिए छोटा वाला। हाँ, 25। क्या भाई आप तो बहुत ज़्यादा रेट लगा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड अभी भिंडी का पेड़ ले रहे हैं और हम लोग कार में ही बैठे हैं। इतनी शदीद गर्मी है कि जो है एकदम बुरा हाल है, तप रहे हैं। आरिज और हम लोग कार में बैठे हैं। आरिज गर्मी लग रही है? नहीं। आप सही है? हाँ, सही है। ओके, भिंडी बैगन गोभी ऐसे होगी ना भरभरा के कि एकदम बांटना पड़ता है। पता नहीं क्यों लेते हैं, खाने का शौक तो है नहीं। अब बस हम लोग घर जा रहे हैं, बहुत शॉपिंग होगी। अब शाम में जो है मैं आरिस को बाहर गार्डन में टहलाने लेके आई थी, तो यहाँ पे अफान का एक दोस्त है, वो बता रहा था कि उसके पास जो है मुर्गी का बच्चा है 3, तो उसने 2 लेके आया है यहाँ पे आरिस के साथ खेलने के लिए। देखो अफान, पकड़ो। नो, पकड़ो। ओके, दे वो टच यू। ओ माय गॉड, अफान उठाओ। नो, ओके, यू कैन होल्ड इट, इट्स वोंट टच यू। आरिस उठाओ, आरिस उठाओ। अच्छा है तो उठाओ। अच्छा है, How many do you have? We have 3. And what's their name? I call them Oreo, I call them Pepsi. Pepsi and Oreo. Wow. Last time I separated both of them, they just... Kya hua, Aris? I sometimes, every time when I bring 3 birds, I always put one in my head. Oh, you're not scared? तो अब जो है थोड़ी देर में मगरिब की अजान हो रही है, तो अब हम लोग घर जाते हैं। आज का व्लॉग बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।